नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुकेटिव यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे बीए बीएससी बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 का सामान्य हिंदी का पेपर है। कुछ क्वेश्चनों के आंसर के भी आपको बताने वाला हूं, जो भी यहां पे छोटे क्वेश्चन दिए गए। 3 घंटे का एग्जाम हो रहा है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 40 नंबर रेगुलर छात्रों के लिए रहने वाले हैं, 50 नंबर नॉन कॉलेज के रहेंगे। किस यूनिवर्सिटीज का पेपर लास्ट में बता दिया जाएगा। शुरुआत करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि इसमें किस प्रकार क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। खंड ए के अंदर जो 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे, 12 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, शहर के चोर डाकू किनसे मिले रहते हैं। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, शहर के चोर डाकू प्राय चौधरी कासिम अली और जिनाद से मिले रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, प्राचीन काल में नाखून क्यों आवश्यक है। तो प्राचीन काल में नाखून बढ़ाने आवश्यक थे क्योंकि मनुष्य को शिकार करना, भोजन प्राप्त करना और अपनी रक्षा करना होता था। तीसरा आता है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्यों गए थे। तो इसका आंसर होगा, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर इसलिए गए थे क्योंकि वे एक वैज्ञानिक थे और वे वहाँ के कानून और व्यवस्था की जाँच करते हैं। नेक्स्ट आता है, शरद बाबू के देहावसान के समय अमृतलाल नागर किस से तट पर खड़े थे। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा, त्रिवेणी तट पर खड़े थे। नेक्स्ट आता है, नीलू किसका नाम है। तो नीलू है, नीलू कुत्ते का नाम है, कुत्ता का नाम है। और उसके बाद में आता है, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने परशुराम की प्रतीक्षा नामक कविता कब लिखनी आरंभ की थी। तो इसका आंसर होगा, 1962 में आरंभ की थी। नेक्स्ट आता है, गुरुदेव को अंग में कबीर ने किसका वर्णन किया गया है। गुरु की महिमा और महत्व का वर्णन किया गया है। उसके बाद में आता है, जसूदा हरिपाल ने जुलावे पद में कौन सा रस है यहाँ पे। तो इसके अंदर कौन सा होगा, वात्सल्य रस होगा। तो वात्सल्य किस प्रकार लिखेंगे आप इसको, ऐसे लिख सकते हैं, वात्सल्य रस हो गया। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, अवधी भाषा। तो कौन सी भाषा है, अवधी भाषा। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, मीरा ने लोक लाज कैसे खो दी। तो इसका आंसर लिखेंगे, मीरा ने लोक लाज इसलिए खो दी क्योंकि उन्होंने अपने आराध्य कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और भक्ति का सबसे ऊपर रखा। मीरा ने सामाजिक और पारिवारिक बंधनों के प्रभाव के बिना भक्ति मार्ग पर चलना चुना, जिससे समाज के प्रभाव नहीं की। उसके बाद में आता है, मातृभूमि कविता की रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट है, अज्ञेय ने किस पाद को स्थापित किया। अज्ञेय ने तार सप्तक पाद को स्थापित किया। तो इसमें लिखेंगे, तार सप्तक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, खंड बाय के अंदर 2 नंबर क्वेश्चन, गद्यांश की सह प्रशंसित व्याख्या करनी होगी, ठीक है। इसके अंदर आपके जो बड़ा क्वेश्चन है, इसमें सह प्रशंसित व्याख्या करनी होगी। उसके बाद में बात करते हैं, अथवा के अंदर भी इसमें दे रखा है, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे हल करना होगा। 3 नंबर क्वेश्चन आता है, गद्यांश की सह प्रशंसित व्याख्या करनी होगी इसके अंदर भी, और इसके अंदर अथवा में भी दे रखा है। और 40 में से लगभग दोस्तों आपको 18 नंबर यहाँ पे चाहिए पास होने के लिए। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, पद्यांश की सह प्रशंसित व्याख्या करेंगे, इसमें पद्यांश दे रखा है तो इसकी सह प्रशंसित व्याख्या करेंगे, और इसके अंदर अथवा में भी यहाँ पे दे रखा है। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको हल करना होगा। नेक्स्ट आता है, 5 नंबर क्वेश्चन में पद्यांश दे रखा है, सह प्रशंसित व्याख्या करनी होगी, और इसके अंदर अथवा में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में आता है 6 नंबर क्वेश्चन, जो खंड सह का है, ईदगाह कहानी की मूल संवेदना अपने शब्दों में लिखना होगा। अथवा के अंदर दे रखे आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी की निबंध कला की विशेषताओं के बारे में स्पष्ट करें। उसके बाद में आता है 7 नंबर क्वेश्चन, इंस्पेक्टर मादादीन चांद पर रचना का सारांश अपने शब्दों में लिखना होगा। अथवा के अंदर है माधवी वर्मा का रेखा चित्र कला पर निबंध लिखना होगा। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, सूरदास की भक्ति भावना पर निबंध लिखना होगा। अथवा के अंदर है कबीर की साखियों का विशेषताओं के बारे में बताना होगा। 9 नंबर आता है, मातृभूमि की महत्व अपने शब्दों में लिखे। अथवा के अंदर है नागार्जुन के काव्य वैभव पर प्रकाश डालिए। तो उसका पेपर कंप्लीट हो चुका है। आरआर यूनिवर्सिटीज का पेपर है, 2024 का सेकंड सेमेस्टर का है। आने वाले जो भी आपके एग्जाम रहेंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।